हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चार लोग क्या कहेंगे। तो मेरा आपसे सबसे पहले तो ये सवाल है कि क्या आप उन चार लोगों से मिले हैं जिनका डर हमेशा आपको लगा रहता है कि चार लोग क्या कहेंगे। मेरे ख्याल से कुछ लोगों का आंसर होगा कि हमें पता ही नहीं है वो चार लोग कौन हैं, वो तो हमारे पेरेंट्स, हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो अगर बोल देते हैं कि क्या कर रहे हो यार तुम, चार लोग क्या कहेंगे, तो हमें तो पता ही नहीं है कि वो चार लोग हैं कौन, जिनकी दुहाई हमारे पेरेंट्स और हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स, हमारे वेल विशर जो देते हैं, हमें पता ही नहीं है। अरे आपको क्या, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि वो चार लोग हैं कौन जिनका एक अनजाना डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमें कुछ अच्छा काम करने से रोकता है। सो फ्रेंड, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो चार लोग हैं कौन। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज़िंदगी गुजर जाएगी पर आप उन चार लोगों को ढूंढ नहीं पाएंगे। एंड हर किसी की लाइफ में वो चार लोग अलग अलग होते हैं। जैसे आपकी लाइफ में चार लोग अलग होंगे जिनका डर आपको हमेशा बना रहता है, जिनके बारे में आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और मेरी ज़िंदगी में वो चार लोग अलग होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी वो चार लोग हैं वो हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, वेल विशर में से तो बिल्कुल भी नहीं है। वो चार लोग वही हैं जो दूसरों की सक्सेस में रोड़ा बनते हैं, जो दूसरों का कुछ अच्छा होते हुए देख ही नहीं सकते हैं। अगर आप गौर करें, अगर आप बहुत ही बारीकी से गौर करें तो शायद आप अपने आसपास देख पाएंगे। इसलिए हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम क्या करना चाहते हैं अपने दिल की सुननी चाहिए, हमें अपने मन की सुननी चाहिए। आप अच्छा करेंगे तब भी दुनिया बोलेगी, आप कुछ गलत करेंगे तब भी दुनिया बोलेगी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आप अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं, उसकी हर ख्वाहिश आप पूरी कर रहे हैं, तब भी वो चार लोग यही बोलेंगे यार ये तो जोरू का गुलाम है, अपनी बीवी के आगे पीछे ही घूमता रहता है, बस इसको और कोई काम ही नहीं है। और अगर आप अपनी वाइफ को मारते हैं, पीटते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तब भी ये चार लोग आकर यही कहेंगे ये कैसा जालिम आदमी है, एक बेचारी लड़की अपना घर परिवार संसार छोड़कर इसकी दुनिया में शामिल हुई, और ये है कि अपनी दुनिया में मस्त है, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, उसको सताता है, मारता है, पीटता है, तब भी लोग यही कहेंगे। अगर आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, उनकी हर ज़िद पूरी कर रहे हैं आप, तभी ये चार लोग आकर यही कहेंगे कि बच्चों को लाड़ में बहुत बिगाड़ रखा है। और अगर आप अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, मतलब वो अगर आपसे कोई फरमाइश कर रहे हैं कि पापा मम्मा ये चाहिए वो चाहिए और आप इग्नोर कर रहे हैं, तभी ये चार लोग आकर यही कहेंगे उसको किसी से मतलब नहीं है, ना बीवी से ना बच्चों से, वो अपनी ही दुनिया में मस्त है, अपनी ही ज़िंदगी में मस्त है वो। तीसरा एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, या मतलब करने से मतलब कुछ बड़ा करने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन प्लानिंग करने के लिए जाहिर सी बात है वो फोकस करना ही पड़ता है उस पर, तो उस टाइम पे आपने पूरा ध्यान अपने जो आप आगे करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग पर लगाया हुआ है, तो लोगों को तो आप फालतू ही दिख रहे हैं उस टाइम, तभी लोग ये कहेंगे यार इससे कुछ नहीं होने जाना, कुछ भी नहीं होने जाना इससे, तो ये तो ऐसे ही है, ये फालतू ये आवारा घूमता है, ऐसे ही घूमेगा ये, तभी लोग यही बोलेंगे। लेकिन जब अपनी उस प्लानिंग को आप सक्सेस में बदल देते हैं, आप सफल हो जाते हैं, तब भी ये चार लोग आकर यही बोलेंगे सफलता उसके सर पर चढ़ चुकी है, उसको बहुत घमंड आ गया है, वो तो बात करने लायक ही नहीं रहा है। होता है ना ऐसा, अक्सर ऐसा ही होता है। तो क्या आप लोगों की राय जानकर अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न लेंगे?
मुझे तो लगता है कि अब आप समझदार हैं, समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भी ना सुने, मतलब हमारी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, हमारे वेल विशर हैं, जो हमारा अच्छा ही चाहते हैं। तो वो अगर आपको कुछ बताते हैं, आपको कुछ सलाह देते हैं, तो उनकी सलाह पर गौर कीजिए, पर चार लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये काम मैं करूँगा तो सक्सेस हो सकता हूँ, तो आप वो काम कीजिए बिना चार लोगों की परवाह करके, क्योंकि चार लोगों को तो कहना ही कहना है, आप उनके मुंह पर टैप नहीं लगा सकते हैं, आप उनके मुंह पर फेविक्विक नहीं लगा सकते हैं। मज़ेदार बात क्या है पता है आपको? मैं बताती हूँ, मज़ेदार बात ये है कि वो जो चार लोग हैं वो कभी भी हमारे सामने आकर कुछ नहीं बोलते हैं, वो हमेशा हमारे पीठ पीछे ही बोलते हैं। तो ऐसे लोगों की क्या परवाह करना, क्या परवाह करना यार, जो पीठ पीछे बोलते हैं। दम है तो सामने आकर बोलो, लेकिन वो सामने आकर कभी नहीं बोलेंगे। फ्रेंड्स, वो सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आई एम श्योर सुना ही होगा। तो बस लोगों को कहना ही है, उनका काम ही है कहना। जब आपने उन लोगों को देखा ही नहीं है तो उनकी परवाह हमें करना ही नहीं है। जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वो नई नई चीज़ें सीखता है, सीखने की कोशिश करता है। वो पहले बैठना सीखता है, फिर वो घुटने घुटने चलना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है। मतलब उसको डेली कुछ ना कुछ सीखना ही है। उसको नहीं पता कि सक्सेस क्या है, लाइफ क्या है, उसको कुछ नहीं पता। बस उसको नई नई एक्टिविटी है जो उसको करना है, सीखना है, और उसको मज़ा आता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा जब बड़ा होने लगता है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है। और प्रॉब्लम ये घर से ही शुरू होती है, क्योंकि हम ही हैं जो अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा ये मत करो, लोग क्या कहेंगे। अगर हमारी बेटी है तो हम उसको बोलते हैं ऐसे कपड़े मत पहनो, चार लोग क्या कहेंगे। तो वो जो चार लोग क्या कहेंगे, बच्चे की मेंटलिटी पर इतना हावी हो जाता है कि उसको वाकई में लगने लगता है, वो कुछ नया सीखने से डरता है, वो कुछ नया करने से भी डरता है। उसको ये लगता है कि मम्मी पापा ने बोला था चार लोग क्या कहेंगे, ऐसे नहीं करना है। और बस वो फिर हमेशा कुछ ना कुछ नया करने से खुद को रोकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो मेंटलिटी है अपने घर से ही ख़त्म करनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों को ये चार लोग क्या कहेंगे वाला जो सेंटेंस है उन पर हावी नहीं होने देना है, उनको फ्री छोड़ देना है, बिल्कुल फ्री, ताकि वो सपने देख सके, आगे बढ़ सके, खुद कुछ कर सके, बिना लोगों की परवाह किए कि चार लोग क्या कहेंगे। आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, आखिर में मैं बस एक ही बात कहूँगी कि मैंने कहीं सुना था या शायद कहीं पढ़ा था, किसी कवि की रचना है ये, मेरे बारे में यूं ही कोई राय मत रखना, मेरा वक्त बदलेगा और आपकी राय बदल जाएगी। तो ये 100% सही बात है। लोग कहते ही रहेंगे, अगर आपका अच्छा वक्त है तब भी कहेंगे, अगर आपका बुरा वक्त है तब भी कहेंगे, लेकिन आपके हाथ में है कि आपको अपना वक्त खुद के हिसाब से बनाना है या चार लोगों के हिसाब से बनाना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि औरों की भी आंखें खुल सके और वो इस सेंटेंस से बाहर निकल सके, चार लोग क्या कहेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए, चलती हूँ।